सिद्धार्थनगर के नगर पालिका परिषद बांसी द्वारा 100 फीट लंबे तिरंगे का निर्माण कराया जा रहा है। इस संदर्भ में जब नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि यह तिरंगा 26 जनवरी 2022 से पूर्व बनकर पूर्ण हो जाए ताकि इस पर 26 जनवरी 2022 को तिरंगा लहराया जा सके। इस तिरंगे के लग जाने से हमारी एकता, अखंडता और देश के प्रति समर्पण की भावना को बल मिलेगा और यह हमारे नगर पालिका परिषद बांसी के लिए गौरव की बात होगी। आज हम आए हुए हैं जिला सिद्धार्थनगर के आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी में, जहां पर हमें जानकारी मिली है कि नगर पालिका द्वारा यहां पर एक 100 फीट लंबे तिरंगे का निर्माण हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं वह स्थान जहां पर 100 फीट लंबा तिरंगा लगना है। यह है वो फाउंडेशन जिसे नगर पालिका परिषद बांसी द्वारा बनाया जा रहा है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह फाउंडेशन जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इस पर 100 फीट लंबी एक तिरंगे का निर्माण कराया जाएगा, जिसे लोगों ने तय किया है कि 26 जनवरी से पहले इसका निर्माण हो जाएगा, उनकी कोशिश यही है। अब आइए हम इस बाबत यहाँ के अधिशासी अधिकारी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। नगर पालिका परिषद बांसी की पहचान के लिए 100 फीट का तिरंगा लगाया जा रहा है, जिससे यहाँ की एक नई पहचान मिले और देश की एकता और अखंडता के लिए लोगों को अच्छी जानकारी हो कि यहाँ नगर पालिका परिषद बांसी में तिरंगा जो हमारे देश की शान है उसकी पहचान बनी रहे।